हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। तो आज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके सामने कि ब्रेक्स क्या है और ब्रेक्स के टाइप्स क्या होते हैं, ब्रेक्स के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, या फिर जो आपके टर्म्स यूज़ हो रहे हैं तो वो टर्म्स कैसे काम कर रहे हैं, तो सारी बातें आज अपन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि मैंने कुछ ब्रेक्स के पॉइंट्स लिख रखे हैं यहाँ पे कि ब्रेक्स होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ब्रेक इज अ डिवाइस बाय मींस ऑफ विच आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू अ मूविंग मशीन मेंबर। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ब्रेक एक आपका डिवाइस है जिसका मतलब कि विच आर्टिफिशियल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज अप्लाइड, मतलब क्या करता है कि वो आपके सामने एक आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस अप्लाइड करता है कहाँ पे, आपके एक मूविंग मशीनिंग मेंबर पर, कहाँ पे जो भी आपका मशीनिंग मेंबर मूविंग कर रहा होगा वहां उसके ऊपर आपका क्या करेगा, एक आर्टिफिशियल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अप्लाइड करेगा। जैसे आपको पता ही है कि अगर कोई डिस्क है वो रोटेट कर रही है और उसके ऊपर मैंने कोई ब्लॉक लगा दिया, अगर ये मूव कर रही है तो इसका जब मैं जो आपका बॉडी है, जो आपका शू है, उसको मैं अगर अप्लाइड करूंगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो उन्होंने वही बताया कि ए ब्रेक इज अ डिवाइस बाय मींस ऑफ विच आर्टिफिशियल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू अ मूविंग मशीन मेंबर। आगे, इन ऑर्डर टू रिटार्ड और स्टॉप द मोशन ऑफ मशीन। रिटार्ड का मतलब आपको पता ही होगा कम करना है, स्टॉप का मतलब रोकना है। तो वो क्या करता है कि आपका जो मशीनिंग मेंबर है उसके मोशन को या तो कम कर देता है या फिर क्या कर देता है, स्टॉप। जैसे मैं बाइक की बात कर लूँ कि बाइक के व्हील में जब आपका ब्रेक लगा रहता है, डिस्क ब्रेक हो गया है, साइकिल के व्हील की बात कर लेता हूँ जिसके अंदर शू ब्रेक लगा होता है, तो वो क्या करता है, या तो बाइक को आपका फुली स्टॉप कर देता है या फिर उसको रिटार्ड कर देता है। तो उन्होंने बताया कि इन ऑर्डर टू रिटार्ड और स्टॉप द मोशन ऑफ मशीन। आगे बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट पे, इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग दिस फंक्शन the brake absorb either kinetic energy of the moving members or potential energy given by object। तो इन्होंने बताया है कि इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है जब परफॉर्म कर रहे हैं अपन। तो उन्होंने बोला है कि ब्रेक क्या करता है, आपका एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, वी इज द वेलोसिटी ऑफ ड्रम या फिर जो आपका व्हील है उसकी वेलोसिटी है। तो उससे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल रही है तो वो क्या कर रहा है कि उस काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उन्होंने बताया है कि क्या कर रहा है कि इन दिस प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग दिस फंक्शन द ब्रेक एब्जॉर्ब आइदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ब्रेक और पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक्स इज डिसिपिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उन्होंने बताया कि जब आपका जो मेंबर है वो हीट रिलीज कैसे करता है। मैंने बोला कि कोई मेरा मूविंग पार्ट है वो रोटेट कर रहा है हाफ एम बी स्क्वायर से और उसके ऊपर मैंने एक शू को अप्लाइड किया, तो शू क्या करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो शू होगा वो उसको हीट की फॉर्म में डिसिपिएट कर देगा। तो उन्होंने वही बताया कि दी एनर्जी एब्जॉर्ब बाई ब्रेक इज डिसिपिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ने आगे जो टर्म्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ ब्रेक डिपेंड्स अपॉन दी फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब कि जो आपकी ब्रेक होती है उसकी कैपेसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो नंबर वन, उन्होंने बताया है कि दी यूनिट प्रेशर बिटवीन दी ब्रेकिंग सरफेस। उन्होंने बताया कि जब आपका कोई ब्रेक का ड्रम है और जो आपका शू या फिर बैंड वगैरह जो भी लगा रहे हैं तो उन दोनों के बीच में जो प्रेशर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपका यूनिट प्रेशर बिटवीन दी ब्रेकिंग सरफेस, मतलब कि आपका आइडियली प्रेशर लगना चाहिए दोनों के बीच में। आगे दी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी ब्रेकिंग सरफेस, मतलब कि आपके जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन लगना चाहिए दोनों के बीच में सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। दी पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ दी ब्रेक ड्रम, मतलब कि उसके जो फैक्टर्स के अंदर हम बात कर रहे हैं कि आपका प्रेशर पार्ट लेता है, आपका जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो पार्ट ले रहा है, उसका जो पेरिफेरल वेलोसिटी है आपके ड्रम की वो पार्ट ले रही है और जो उसका एरिया है वो पार्ट ले रहा है। तो ये आपके कुछ चार फैक्टर्स थे कि जो आपके कैपेसिटी को डिपेंड्स कर रहे थे, जो कि ब्रेक की कैपेसिटी थी। तो आपकी पहला यूनिट प्रेशर, दूसरा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, दूसरी की तीसरी की बात कर रहे थे पेरिफेरल वेलोसिटी और फोर्थ वन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस, फ्रिक्शनल सरफेस। आगे चलते हैं, चलिए एक सेकेंड। हाँ जी,
मटेरियल फॉर ब्रेक, मतलब कि मैं कैसा मटेरियल यूज करूँ या चूज करूँ कि मेरा ब्रेक अच्छा हो। तो उन्होंने बताया कि द मटेरियल यूज फॉर द ब्रेक शुड हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। तो आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो उसके अंदर कुछ आपकी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, जैसे इट शुड हैव हाई कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन विथ मिनिमम फेडिंग। अब इसको उन्होंने बताया कि आपका हाई कोफिशियंट फ्रिक्शन होना चाहिए विथ मिनिमम फेडिंग। इसका मतलब क्या है? In other word, the coefficient of friction should remains constant with temperature change। उन्होंने बोला है कि आपका देखो बहुत सारी है, जैसे हाई स्पीड गाड़ी आती हैं, बाइक आती है, मोटर बाइक आती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका डिस्क का मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं वो ऐसा मटेरियल होता है कि वो एकदम उसकी जो हीट होती है वो इंस्टेंट बढ़ती है। क्योंकि जैसे हुआ कि मेरी गाड़ी लगभग 80-90 kmph पे चल रही है और मैंने इंस्टेंट उसके ऊपर ब्रेक लगाया, जैसे मैंने उसके ऊपर इंस्टेंट ब्रेक लगाया उसके बाद क्या होगा आपके सामने कि जो आपकी डिस्क होगी उसकी एनर्जी को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, क्या कर लेगी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा आपका इंस्टेंट चेंज होगा, क्या होगा इंस्टेंट चेंज। तो उन्होंने क्या बोला है, इन अदर वर्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड रिमेन कॉन्स्टेंट विथ टेम्परेचर चेंज। तो उन्होंने बोला कि अगर आपका टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, वो आपका कैसा रहना चाहिए, रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहना चाहिए कि जब आपका टेम्परेचर चेंज हो। और फेडिंग का मतलब था यहाँ पे कि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मेरी यहाँ पे आपकी जो डिस्क है उसके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा तो उसका क्या होता है, कलर चेंज होता है। मतलब कि हाई टेम्परेचर होता है तो उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू करता है। तो वो कह रहा है कि अगर आपके टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड हैव हाई हीट रेजिस्टेंस। मतलब उन्होंने बोला है कि जो आपका हाई हीट रेजिस्टेंस रहना चाहिए, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है एब्जॉर्ब करने का वो कैसा रहना चाहिए, हाई हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए। आगे, इट शुड हैव हाई हीट डिसिपिएशन कैपेसिटी, मतलब कि हीट को बाहर फेंकने की कैपेसिटी आपकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इट शुड हैव हाई हीट डिसिपिएशन कैपेसिटी। नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी अफेक्ट बाय द मॉइस्चर एंड ऑयल। तो उन्होंने बोला है कि जो आपकी डिस्क है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बारिश पड़ जाए, ठंड आ जाए, यानी कि विंटर आ जाए, समर आ जाए, तो उसके केस में आपके उसके ऊपर कुछ भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारा मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई मॉइस्चर एंड ऑयल। तो इस वीडियो के अंदर अपन आज इतनी ही बात कर रहे हैं कि आपका ब्रेक है क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है और आपका मटेरियल क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है गाइज तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।